जिस टाइम हम लोग पहुंचे उस टाइम विजय जी घर में नहीं थी, लेकिन रिया जी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वीडियो बनाने से। यहाँ पर आप विजय रिया जी का बहुत ही अच्छे गाइस, और उन्होंने हमें उनका घर ने बगलाया, उसके बाद हम लोग घर आ गए। ताला लॉक। हेलो दोस्तों, शिवम छोटी के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग गाइस झारखंड के सबसे बड़े कपल यूट्यूबर विजय रिया जी से भेंट करने जा रहे हैं। मैं आपको उनका रास्ता और फुल एड्रेस भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग अपने घर से कार में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं। ये हुआ कुड़पनिया, उसके बाद मैं कैमरा लगा के जाऊंगा और रास्ते में आप लोग को पूरा प्लेस दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से उनके घर तक पहुंचता हूं। मुझे भी उनका घर नहीं पता, लेकिन चलिए देखते पहुंच सकते हैं कि नहीं। थैंक्स गाइस। तो हम लोग भाई लोग अभी कुड़पनिया से चार नंबर से जरंगडी पहुंच चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारा हो गया भाई लोग जरंगडी ब्रिज। जय माँ बनासो। मैं आप लोग को भाई लोग अपना कुलियरी और खदान का भी ब्लॉग दिखाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, कि जिन जिन लोगों ने खदान नहीं दिखा है, कोयला कैसे निकाला जाता है, वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पर गाइस हम लोग अब खेतको नदी का दामोदर पुल पार कर रहे हैं। कितना पुल पड़ता है विजय रिया के घर में, आप जुड़ते जाइएगा। दो पुल ये हुआ, इसके बाद हम खेतको बस्ती से होते हुए दातू होके डायरेक्ट पेटरवार का मेन रोड पकड़ेंगे। वहां से टोल टैक्स को पार करते हुए गोला चौक पहुंचेंगे। यहाँ पर भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर नजारा है। दातू का ये सिंगल वे रोड है और यहाँ दम भर कोयला ढोया जाता है। साइकिल वाले, स्कूटर वाले, ट्रैक्टर वाले, जंगल का मनोरम दृश्य है। ये यहाँ का सबसे खतरनाक टर्निंग है दातू का। लेडीज लोग देखिए, गांव का झाड़ू बना के सब जा रहा है, सबका हाथ में तलवार है, मतलब हसुआ बाली है। ये देखिए, यहाँ एक कोयला वाले का बाइक वाला मदद करते हुए ठेल रहा है, जिसके बदले में वो पैसा भी लेता है। और यहाँ बलेनों को ज्यादा ही रफ्तार में लग रहा है, पीछे से प्रेशर बना रहा है आगे जाने के लिए। झटपट आ रहा है, शायद उस गाड़ी वाले को नहीं पता कि वन वे रोड है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए कितने सारे कोयला वाला खड़े हैं, गाड़ी वाले इनका मदद करते हैं और 150 रुपए चार्ज करते हैं। क्या सीन है प्रकृति का। जाइए भैया, जाइए आप आगे, जाइए जाइए। क्या करना चाह रहा भाई? वो नाम कमाना चाह रहा है। देख सकते हैं कि बलेनो कितना ही जल्दी में है भाई लोग। रोड रोड से बाहर गाड़ी चला रहे हैं। मेरा छोटा भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ उसका लगभग ठीक हो गया है। कल हम लोग उसका हाथ का पलस्तरा कटाने जाएंगे, पहले डॉक्टर से दिखा के एक्सरे करा के उसके बाद। दिल है तुम्हारा, धड़कन तुम्हारा। यहाँ पर भाई लोग आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बोकारो रांची जेना मोड़ रामगढ़ 50 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ, हेलमेट का करे प्रयोग, नियम का करे पालन। अब हम लोग मेन हाईवे में उतरने वाले हैं पेटरवार। ये देखिए हाईवा जा रहा है 10 चक्का, इधर से बलेनोवार, इधर स्विफ्ट जा रहा है, पीछे से ट्रेलर आ रहा है। गाइस आ गए हम लोग मेन रोड में, छाए वाला आगे हाईवा, इसलिए शीशा चढ़ा लेना चाहिए हम लोग को, लेकिन एसी नहीं चलाना चाहिए। कहाँ चला रहे हम लोग, फिर से शीशा खोल लेंगे।
यहाँ पर गाइस हम लोग आ रहे हैं फ्यूल स्टेशन में, क्योंकि हम लोग को फ्यूल लेना है, क्योंकि फ्यूल गाड़ी में नहीं है। क्लब एचपी क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। यहाँ पर भाई लोग आप लोग देख सकते हैं हम लोग पेटरवार बाजार में घुस चुके हैं, और यहाँ से कसमार और टेनू घाट का आगे का बोर्ड लगा हुआ है कि अगर हम राइट साइड जाते हैं तो टेनू घाट पहुँचेंगे और लेफ्ट साइड जाते हैं तो कसमार पहुँचेंगे। ये हमारा पेटरवार का मेन मार्केट हो गया। इसके बाद आगे टोल टैक्स आएगा और उसके बाद गोला का मेन चौक आएगा जहाँ से हम लोग को लिफ्ट लेना रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उन लोगों का घर पिंडरा बस्ती में है। यहाँ पर भाई लोग हम लोग अब टोल गेट में पहुँचने ही वाले, और मैं आपको वहाँ टोल गेट में पावर अपना दिखाता हूँ। मेरा गाड़ी में फास्टैग भी नहीं लगा हुआ है। टोल गेट 500 मीटर अहेड। ये देखिए टोल नाका से कैसे टोल गेट हटाया जा रहा है। ये हमारा पावर। देखा आप लोगों ने पावर, हम कहीं टोल नहीं देते हैं। पब्लिक को बुड़बक बनाते हुए अब हम लोग गाइस गोला चौक आ गया है। यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे सिक्कीदरी और मांझी रांची और हुंडरू फॉल। अगर हम आगे से राइट लेंगे तो पहुँच जाएंगे रामगढ़ चित्तरपुर होते हुए, और हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो जाएंगे कुरांबे पिंडरा बस्ती सिल्ली मुरी और रांची और बुंडू। चलिए मैं आप लोग को अब यहां से दिखाता हूं गोला चौक से। क्या छोटू गूगल मैं फोन करूं थोड़ा मारू पिंडरा गांव। विजय रिया जी घर में होंगे कि नहीं होंगे इसका हमें पता भी नहीं है। बस तेरा पता मालूम नहीं। हाँ तो भाई लोग हम लोग यहाँ डुमरा का रूट पकड़ चुके हैं। यहाँ देखिए कुचला टाण लिखा हुआ है। छोड़ो ना बे, रोड तो इधर ठीक है लेकिन पानी रोड में बह रहा है जिसका कारण तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं हमको लगता है। डुमरा गोला चौक से आपका 12 किलोमीटर का दूरी दिखा रहा है। छोटा भाई गूगल मैप में देख रहा है हाउ मेनी किलोमीटर। हाँ तो छोटू कितना दूर है पिंडरा और? 8 किलोमीटर अभी और है। उसके बाद कहाँ जंगल में घुसेंगे हम लोग कि नदी में घुसेंगे घुसने के लिए? क्या चिल्लाएंगे विजय विजय रिया रिया कहाँ गया? और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ 12 चक्का खराब हो
चुका है, जिसका दो टायर खोल के रखा हुआ है। मारुति सुजुकी इग्निस, पियागियो का एक टेम्पो। सुन ना, वहाँ टर्निंग बहुत है, रेलवे क्रॉसिंग के और लोग घर रेलवे क्रॉसिंग के ही पास है। देर से दुर्घटना भली, ये बहुत खराब टर्निंग है, कृपया तेज जाए। क्या लिखा था? देर से दुर्घटना भली, कृपया तेज जाए। यही तो है विजय रिया के सपनों का घर। अरे ट्रेनो ट्रैक पार हो जाता है का? भरोसा नहीं है आपको? ट्रेनो ट्रैक पार होता है का? हाँ हाय बाबा, डायरेक्ट पार, नो बकवास। 10 रुपए निकाल के खाने दो। विजय रिया के सपनों का घर कहाँ है? हारू बेड़ा आ गया। और कितना दूर चौदू जी? 6 किलोमीटर। विजय रिया जी गाइस बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया, लेकिन विजय भाई से भेंट नहीं हो सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर विजय भाई से भेंट करेंगे। यहाँ सिल्ली का रोड जो जाता है, वहाँ से हम लोग को बाएं मुड़ के सीधा जाना है, सोन डिमरा नाही डिमरा उससे भी यहाँ पर आप विजय रिया जी का घर यही है, देख सकते हैं। ये उनका घर नहीं, बगल वाला ना गुतिया घर है, ताला लॉक।